आई होप यू आल विल बी फाइन. सो वी आर स्टडिंग द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया के अंदर आज हमने जिस फाइलम के बारे में पढ़ना है, डेट इज़ फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस. फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस जो है, इट इंक्लूड्स 15,000 स्पीशीज. 15,000 स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन द फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस. फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस इज कॉमनली नोन एज, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स. इसे आमतौर पर फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है. वाई? बिकॉज दे हैव फ्लैट बॉडी. इनकी बिल्कुल फ्लैट बॉडी की वजह से जो है इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है. सो फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस के अंदर जितने भी फ्लैट वॉर्म्स हैं वो इंक्लूडेड हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल प्रैक्टिस ऑफ प्लैथीहेलमिंथेस. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट द जनरल करैक्टर्स ऑफ प्लैथीहेलमिंथेस. प्लैथीहेलमिंथेस का सबसे पहला करैक्टर है डैट दे आर फ्लैट और रिबन शेप्ड बॉडी. इनकी जो बॉडी है डैट इज फ्लैट और रिबन शेप्ड, मतलब बिल्कुल जो है इनकी बॉडी फ्लैट होगी. चिपटी हुई बॉडी जो है इनके अंदर मौजूद होती है, या तो वो फ्लैट होगी या वो रिबन शेप्ड की होगी. इसके अलावा जो फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस है, दे आर असिलोमेट. असिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती है. तो जितने भी प्लैथीहेलमिंथेस है वो सारे के सारे असिलोमेट है. इसके अलावा दे आर बायलैटरली साइमेट्रिकल. इनकी जो साइमेट्री है बॉडी की वो बायलैटरी है. इट मीन्स दे आर बायलैटरली साइमेट्रिकल. इसके साथ साथ जो इनके अंदर इनके करैक्टर्स में इंक्लूडेड डैट इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? इट मीन्स दे हैव थ्री लेयर्स, एक्टोडर्म, एनोडर्म एंड मीजोडर्म. दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है. इट मीन्स उसके अंदर तमाम के तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं वो नहीं पाए जाते. दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ ब्रांच्ड इंटेस्टाइन. अब इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्रांच की सूरत में फैली होती है. इसीलिए कहा जाता है कि दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ ब्रांच्ड इंटेस्टाइन. अब इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होता है डैट इज फ्लेम सेल. इसके अलावा दे हैव नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है. दे लैक सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन अक्कर डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है. इसके अलावा जितने भी प्लैथीहेलमिंथेस यानी फ्लैट वॉर्म है, दे आर फ्री लिविंग. वो फ्री लिविंग है, लेकिन इसके साथ साथ वो पैरासाइटिक भी होते हैं अपने नेचर में. दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइटिक. पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म जो हार्म पहुंचाते हैं. इसके अलावा जो प्लैथीहेलमिंथेस है, दे आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं. डैट इट मीन्स दे आर बायसेक्सुअल, हैविंग बोथ सेक्सेस. इसके अलावा ये जो हैं दे आर मोस्टली पैरासाइटिक. जितने भी फ्लैटवर्म होते हैं ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं अपनी नेचर में. अब जो है पैरासाइटिक की भी आगे टाइप हैं कि वो जो है पैरासाइटिक किस किस टाइप से हैं, तो हम वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली टाइप है डैट इज़ मोनोजेनिक. नाउ लेट्स सी के मोनोजेनिक पैरासाइट कौन से पैरासाइट होते हैं. दे आर पैरासाइट्स डेट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल वो जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं, तो वो कहलाते हैं मोनोजेनिक. मोनो की मीन्स वैसे भी होती है वन, तो वो पैरासाइट्स जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं वो मोनोजेनिक कहलाते हैं. अब मोनोजेनिक के अलावा जो सेकंड वन है डैट इज डायजेनिक.
वी नो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेनिक, द मीन्स ऑफ डाई इज टू, तो इसका मतलब ये होगा दे पैरासाइट्स डेट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अब ये पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कितने होस्ट के ऊपर कंप्लीट करेंगे, इन टू होस्ट, तो वो पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल टू होस्ट के ऊपर कंप्लीट करेंगे वो कहलाएंगे डाइजेनिक। तो ये हमने जाना अबाउट मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक। अब जानते हैं अबाउट इट्स एग्जांपल्स। तो इसकी एग्जांपल के अंदर जो इंक्लूडेड है डेट आर प्लेन एरिया, फ्लैटवर्म्स, प्लेन एरिया फ्लैटवर्म्स और इसके लीवर फ्लूक, प्लेन एरिया इज़ अ फ्लैटवर्म। इसके अलावा जिसकी एग्जांपल में है डेट इज़ लीवर फ्लूक, इसको लीवर फ्लूक इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द लीवर। और इसके अलावा जो है टैपवर्म, ये सारे के सारे बिल्कुल फ्लैट वर्म्स हैं जो कि फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब जैसा कि हमने जाना कि प्लैथीहेलमिंथेस मोस्टली आर पैरासाइटिक इन देयर नेचर, तो अब हमने ये देखना है कि हाउ दे अडॉप्ट दिस नेचर, तो हमने इनकी पैरासाइटिक अडॉप्टेशन के बारे में पढ़ना है, पैरासाइटिक अडॉप्टेशन ऑफ फ्लैट वर्म्स, कि वो जो है अपनी पैरासाइट को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद होती है जिससे वो पैरासाइट्स हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पैरासाइटिक नेचर के अंदर आता है, अडॉप्टेशन के अंदर आता है, दैट दे हैव थिक बॉडी कवर, ये अपने थिक बॉडी कवर की वजह से जो है पैरासाइटिक अडॉप्टेशन को ले लेते हैं। इसके अलावा जो है नंबर टू पर, दैट दे हैव स्पाइंस, सकर्स एंड हुक्स, इनकी बॉडी के ऊपर जो है स्पाइन, सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दी अटैचमेंट, जिससे जो है वो अपने होस्ट के साथ अटैच्ड रहते हैं। इसके अलावा दे हैव रिड्यूस्ड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के रिड्यूस्ड होने की वजह से भी इनकी जो है पैरासाइटिक अडॉप्टेशन कंटिन्यू रहती है। एंड नंबर फोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डेट हैव दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई है, रिप्रोडक्शन इनके अंदर बहुत फास्टली हो जाती है, इसलिए भी इनकी पैरासाइटिक अडॉप्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। सो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट फाइलम प्लैथीहेलमिंथेस, जिसके अंदर हमने जाना कि आमतौर पर फ्लैटवर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनके बॉडी जो है बिल्कुल फ्लैट होती है। जनरल करैक्टर्स हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी फ्लैट है, दे आर असिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिक और टिप्लोब्लास्टिक, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच्ड होती हैं। इसके अलावा इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर फ्लैम सेल इंक्लूडेड है, इनके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेशन डायरेक्टली डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है, दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज दे आर पैरासाइटिक इन देयर नेचर, दे आर हर्मोफ्रोडाइट, इट मीन्स दे हैव बोथ सेक्सेस, दे आर मोस्टली पैरासाइटिक इन देयर नेचर। पैरासाइट के अंदर हमने जाना दे आर मोनोजेनिक एंड डायजेनिक। मोनोजेनिक में हमने पढ़ा दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ओनली वन होस्ट, एंड डायजेनिक में हमने जाना दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। फिर पैरासाइटिक अडॉप्टेशन के अंदर हमने जाना कि इनकी जो बॉडी के थिक कवरिंग की वजह से, इनकी जो स्पाइन सक्कर्स और हुक्स हैं अटैचमेंट अपने होस्ट के साथ रखने के लिए उस वजह से, और एलिमेंट्री कैनाल के रिड्यूस होने की वजह से और रिप्रोडक्टिव रेट हाई होने की वजह से दे आर पैरासाइटिक अडॉप्टेशन जो है इनके अंदर हो जाती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।